ભરૂચના શેરપુરા ખાતે આવેલ ઇકરા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ખાતે રાષ્ટ્રીય બહુજન હિત રક્ષક સમિતિ દ્વારા સંવિધાન બચાવો ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના પૌત્ર અને ભારતીય બૌદ્ધ સભાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ યશવંત રાવ આંબેડકર તથા ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણી અને અમદાવાદના ધારાસભ્ય સહિતના અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહી સંવિધાનના મુદ્દે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કર્યું હતું. આ શિબિરમાં મોટી સંખ્યામાં દલિત સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. प्रधानमंत्री यूएन में जाके बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, देश में आते हैं तो अलग बात करते हैं, पार्लियामेंट में बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, और जहां जैसा लोग जैसी बात जैसा समाज उसको देखकर भी ऐसी बात करते हैं. आज इतनी अविश्वसनीयता किसी लीडर की मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में तो कभी हमने नहीं देखी कि कहना कुछ और करना कुछ. कोई समाज कोई तबका इस शासन में इस राज्य में सलामत नहीं है. जिस तरीके से हमने देख रहे हैं हम लोग कि पिछले वर्षों से जिस तरीके से आवाज थी बहुजन समाज की, आज उस आवाज को कुचल देने का काम हो रहा है. आज तुम देखो सबसे ज्यादा अगर लोग चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं तो बात को बात यह आती है कि मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा दमन हो रहा है. मैं मानता हूं मुस्लिम समाज के साथ तो दमन होता आया है, अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संसदीय प्रणाली को खत्म किया जा रहा है, उनको धर्म संसद के आधारित मनुस्मृति आधारित इस देश के संविधान की तहत इनको चलाना है. अभी आपको तय करना है आपको कैसे करना है. अभी चिंतन इसलिए है कि अगर संविधान नहीं बचा तो इस देश के 85% लोग गुलाम लाचार मजबूर हो जाएंगे. आज भारत की इकोनॉमी परिस्थिति बहुत ही खराब है, रोजी रोटी नहीं, रोज बरोज आप देख रहे हो आपका पैसा डूबा जा रहा है, बैंक को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, खेती सबकी छीनी जा रही है, उद्योगों के नाम पर जो बातें हो रही है कुछ अलग हो रही है. हम भारत के लोगों को खाने की तकलीफ है और रशिया को 72,000 करोड़ रुपए की हम अनुदान देते हैं, ये कहां की बात है. हम बहुत सारी बोलेंगे फिर इंटरनेशनल पॉलिसी है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं. और धीरे धीरे करके हमारे भीमराव जी ने जो बताया कि जितनी गवर्नमेंट सेक्टर थी धीरे धीरे प्राइवेट कर रहे हैं. जो अंबानी के पास कुछ नहीं था आज विश्व में 10 नंबर के उद्योगपतियों में मिलकर में उसका नंबर है. देश आजाद हुआ तब 110 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ बिरला की थी, आदित्य बिरला में भी है उनकी 110 करोड़ थी 1947 में, आज अरबों रुपया है पता नहीं कहां से कितना रुपया. ये हमारी ताकतें है. महाराष्ट्र का बीमा पड़ेगा आपको मालूम होगा, उत्तर भारत में देखा जाए तो 2 अप्रैल का 3 अप्रैल का एट्रोसिटी रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, इसमें खिलाफ जो 4 स्टेट बंद थे उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, फिर से एट्रोसिटी एक्ट लागू करना पड़ा. मैं समझता हूं समय आ गया है इस देश में जो भी माइनॉरिटीज है एक बैनर के नीचे एक ही प्लेटफॉर्म पर आने की एक जरूरत है, क्योंकि हमें संविधान बचाना. बाबा साहब का संविधान अपने लिए नहीं, बाबा साहब का संविधान खाली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं, माइनॉरिटीज के लिए नहीं, पूरे भारत के नागरिकों के लिए, यहां के महिलाओं के लिए है.